बातचीत के सामने चले जाइएगा। भवानी नगर पीएस से जितने भी रनर्स आए हैं वो सबका अभिनंदन है। विद्वान जननी जने ऐसे पुत्र को, पुत्र बने विद्वान, विद्वान के दरवाजे पे खड़े हजारों धनवान। दोस्तों इंसान के जीवन के तीन दशाएं होती है। कभी नहीं, इनका बहुत योगदान है। तेलंगाना में खासकर हैदराबाद शहर में जो भी त्योहार आता है तो भी एक महिला हिम्मत के साथ निकलने में योगदान देने वाले हमारे कमिश्नर साहब, शांति और सुरक्षा बनाने में हमारे होम मिनिस्टर साहब, डीसीपी साहब के लिए मैं छोटी सी कविता बोलता हूँ। दोस्तों समुन्दर के जहाजों को जो डुबाते उसे तूफान कहते हैं, समुन्दर के जहाजों को जो डुबाते उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टकराने वाले को ही डीसीपी सत्य नारायण साहब कहते हैं। पुरानी शहर में शांति और सुरक्षा बनाने में हर नागरिक से दोस्ती बनाने के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोपी चंद जैसे एक पत्थर को तराश कर हीरा बनाकर उस हीरे को कोहिनूर बनाकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में हिंदुस्तान के तिरंगे को फहराने में योगदान देने वाले, पुरानी शहर की इस धरती पर जन्म लेकर वर्ल्ड में हमारा नाम करने वाले आरिफ साहब के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। द्रोणाचार्य पद्मश्री पुरस्कार विजेता द्वारा पिजिन आप देख रहे हैं, कबूतर पिजिन ये शांति का सिंबल। जिंदगी से भाई बंदी से आराम के साथ जिए, ये शांति। मैं आदरणीय होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी जी को और भाई पाशी खत्री जी हमारे सीनियर हिस्टोरिकल चेयरमैन कमिश्नर साहब के लिए अभी आकाश की ओर अग्रसर होंगे। मैं विनती करता हूं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को आजाद करा दीजिएगा और ये शांति का सिंबल लेकर सारे शहर में घूमेंगे हमारे आज के लिए।